हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लास नाइन्थ के मैंने कुछ क्वेश्चंस तो आपको करवा दिए थे जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, थ्री एक्सरसाइज तक। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 करवाऊंगी कंप्लीट। उसके बाद जो आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और साथ के साथ मैं आपको शाम को क्लास ट्वेल्थ की वीडियो अपलोड कर दूंगी जो हम चैप्टर कर रहे थे 3D उसकी, ठीक है, तो वो भी देख लेना आप लोग। तो चलो करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो हमारे पास क्या दे रखा है। और बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो जो भी नए बच्चे आते हैं, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। हमें ये बताना है कि हमारे पास जो ही कुछ नंबर्स दे रखे हैं ये रैशनल है या इरैशनल है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है हमारे पास, ठीक है हमें ये बताना है कि जो ये हमारे पास टू माइनस रूट फाइव दे रखा है ये हमारे पास रैशनल नंबर है इरैशनल नंबर है हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जो डिफरेंस होता है हमारे पास एक रैशनल नंबर का और एक इरैशनल नंबर का वो हमारे पास क्या होता है ऑलवेज इरैशनल नंबर आता है ठीक है तो हमारे पास ये थ्योरम थी कि डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर। हमारे पास जो डिफरेंस आएगा रैशनल और इरैशनल नंबर का, वो हमारे पास कैसा आएगा, इरैशनल नंबर आएगा, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी थी। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास, तो इसका मतलब जो हमारे पास जो टू है वो हमारे पास रैशनल है और जो रूट फाइव है वो हमारे पास क्या है, इरैशनल है। तो ये कंप्लीट हमारे पास कैसा नंबर हो गया, इरैशनल नंबर हो गया। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या रखा है, 3 + √23 माइनस में क्या रखा है, √23, ठीक है। देखो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो √23 से √23 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बच गया, 3। और 3 हमारे पास कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 को हम py q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास कैसा होता है, रैशनल नंबर होता है। इसी का थर्ड पार्ट देखो क्या रखा है, 2√7 / √7 √7 से √7 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या गया, 2/7। और 2/7 हमारे पास py q की फॉर्म का है, तो ये हमारे पास कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो क्या दे रखा है, 1/√2 दे रखा है हमारे पास। 1/2 हमारे पास जो क्वेश्चन होता है रैशनल और इरैशनल नंबर का, वो हमारे पास कैसा होता है, इरैशनल नंबर होता है, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद फिफ्थ देखो हमारे पास क्या दे रखा है, फिफ्थ हमारे पास दे रखा है 2π। हमें पता है पाई जो होता है वो हमारे पास कैसा होता है, इरैशनल नंबर होता है, और टू हमारे पास कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो एक रैशनल की और एक इरैशनल की अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारे पास कैसा नंबर आएगा, इरैशनल नंबर आएगा। आगे समझ में। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो हमारे पास क्या दे रखा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दे रखी हैं और हमें उनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सोल्व करना है उनको। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है, 3 + √3 इंटू में क्या दे रखा है, 2 + √2, ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास। हमें पता है मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो डाली थी रैशनल वाले नंबर, इसकी नंबर सिस्टम वाले चैप्टर की, उसके अंदर मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज बताई थी, तो उन आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या होगा, जो ये 2 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या गया, 2 × 3 + √3। उसके बाद जो ये √2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 = 6 प्लस में क्या आ गया, 2√3 प्लस में क्या आ गया, 3√2 और प्लस में √2 × √3 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो अभी आगे क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, सर कुछ नहीं, ये हमारे पास क्या गया 6, ये हमारे पास क्या है 2√3 प्लस में 3√2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा,
ठीक है, सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम सोल्व कर नहीं सकते। तो ये हमारे पास इसकी क्या आगी, सिंपलेस्ट फॉर्म आगी। आगे समझ में, ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, हमारे पास क्या लिखा है, 3 + √3 × 3 − √3 ये दे रखा है। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, किसके इक्वल होती है हमारे पास ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वेयर − √3 3 का स्क्वेयर क्या होता है 9 और √3 का स्क्वेयर क्या होता है 3, तो 9 − 3 हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास 6 क्या आ गया, आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्या रखा है इसका, √5 + √2 का होल स्क्वेयर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, a प्लस ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है। तो हमारे पास a क्या है, √5 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, √5 का स्क्वेयर + √2 का स्क्वेयर + 2 × √5 × हमारे पास क्या हो जाएगा, √2, ठीक है। √5 का स्क्वेयर क्या हो गया 5, √2 का स्क्वेयर क्या हो गया 2 + √10, ठीक है। अब 5 + 2 हमारे पास क्या होता है, 7 + √10, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई इसकी, ठीक है। ऐसे हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, देखो फोर्थ पार्ट हमारे पास दे रखा है √5 − √2, दोनों के दोनों इरेशनल नंबर दे रखे हैं, √5 + √2, ठीक है। क्या हो गया फिर, दोनों के दोनों अगर ये हैं तो इनका हमारे पास आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, √1, वही a + b a − b, इनके हमारे पास क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वेयर − √2 का स्क्वेयर, ठीक है। √5 का स्क्वेयर क्या हो गया 5, √2 का स्क्वेयर क्या हो गया 2, 5 − 2 हमारे पास क्या आ गया, 3 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड था, चारों के चारों पार्ट मैंने आपको इसको करवा दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो हमारे पास क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास इसने बोला है कि रिकॉल करो कि पाई हमारे पास डिफाइन करता है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सी ऑफ ए सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर हमारे पास क्या दे रखा है, डी, ठीक है, यानी कि पाई है ना वो सी बाई डी के इक्वल है। तो हमें बताना है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा फैक्ट को कि पाई हमारे पास कैसा है, इरेशनल नंबर है, तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन को वो करना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास इसने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, कि हमारे पास जो पाई है ना वो सी बाई डी के रिप्रेजेंट कर रहा है, सी बाई डी को, जहाँ पे सी डी हमारे पास डिस्टेंस है और सी हमारे पास क्या, सर्कमफ्रेंस है इसकी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि क्या ये जो एन है वो हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। देखो अब हमारे पास जो लेंथ होती है ना लाइन की, अगर उसको हम स्केल के साथ या कोई भी दूसरा डिवाइस है उसके साथ मेजर करेंगे तो उसकी क्या आती है, अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों सी और डी हमारे पास दोनों के दोनों हमारे पास कैसे नंबर हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाएंगे तो इसका मतलब जो सी बाई डी है वो किसके इक्वल है, पाई के नंबर इक्वल है, तो पाई भी हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो पाई भी हमारे पास क्या हो गया, इसका इरेशनल नंबर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो नंबर आएगा वो हमारे पास कैसा आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ दे रखा है उसमें इसने बोला है कि जो रूट हमारे पास 9.3 है ना उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो उसको नंबर लाइन के ऊपर आप लोग रिप्रेजेंट कर लेना, एक आर्क लगा देना इस तरीके से, रफली बता देती हूँ आपको, जैसे मान लो ये हमारे पास नंबर लाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जैसे हमने ये लगा दिया एक आर्क, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये मान लो ए पॉइंट हो गया, ये हमारे पास क्या पॉइंट हो गया, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया, ये हमारे पास डी पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम इस यहाँ से और यहाँ से बाइसेक्ट करेंगे इसको, तो एक करो यहाँ से लगेगी, एक करो यहाँ से लगेगी, हाँ एक करो यहाँ से लगेगी, एक करो यहाँ से लगेगी, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ये मान लो हमारे पास ओ डैश पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, सी था। तो यहाँ पे जो इसकी इमेज आएगी ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये हमारे पास पूरा हमारे पास कितना दे रखा था, 9.3 दे रखा था, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी क्या हो जाएगी, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ये 1 का हमारे पास क्या लेते हैं, 1 cm गैप लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बी ई और बी डी है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 9.3 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। बी ई इज इक्वल टू बी डी हमारे पास क्या आ जाएगी, √9.3 यूनिट आ जाएगी, ठीक है।
ये आप ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, हो जाएगी, आप इसको कंपास वगैरह लेके अच्छे से बना देना उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे 5 हमारे पास क्या दे रखा है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है, डिनोमिनेटर को। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट हमारी मार्क को क्या रखा है, 1/√7, ठीक है, ये दे रखा है। इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, √7/√7, ठीक है। √7 के 1 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, √7 आएगा, और √7 और √7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको रैशनलाइज कर दिया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 1/√7 − √6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस है ना, तो ऊपर हम क्या करेंगे, रैशनलाइज किससे करेंगे, √7 + √6 से, और नीचे भी हम क्या कर देंगे, √7 + √6 से, ठीक है। तो ऊपर तो हमारे पास वही नंबर आ गया √7 + √6, नीचे हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस का b और a प्लस का b, तो वो हमारे पास क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, √7 + √6 डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर क्या होता है, 7, और √6 का स्क्वायर क्या होता है, 6। तो ये हमारे पास क्या हो गया, √7 + √6 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, यानी कि हमारे पास किसके इक्वल आ गया, √7 + √6 के इक्वल आ गया, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारे पास क्या रहता है, सेम सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, 1/√5 + √2, ये दे रखा है। अब यहाँ प्लस का साइन है तो ऊपर हम माइनस वाला ले लेंगे, तो इसको क्या करेंगे, √5 − √2, नीचे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, √5 − √2, ठीक है। तो ये वही सेम काम हो जाएगा, ऊपर हमारे पास √5 − √2 एज इट इज हो गया, नीचे हमारे पास √5 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, √5 − √2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5 − 2 = 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास फोर्थ पार्ट देखा है, 1/√7 − √2, ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √7 + √2/√7। तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से रैशनलाइज कर दिया इसको, √7 + 2/√7 + 2, तो ये √7 + 2/√7 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, तो 7 − 4 हमारे पास क्या आ गया, 3, यानी कि √7 + 2 हमारे पास अपॉन में क्या आ गया, 3। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज 1.5 ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट हमारी, ठीक है। तो 1.6 देखो, अब करते हैं एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो हमारे पास क्या रखा है, 64 की पावर 1/2, ठीक है, 64 की पावर 1/2, हमें पता है 64 है ना, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2, ठीक है। अब हमारे पास में पता एक प्रॉपर्टी थी क्या, कि a की पावर m और पूरे की पावर अगर n है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a की पावर mn हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या रखा है, सेकेंड पार्ट इसका 32, ठीक है, 32 आपको पता होना चाहिए, 32 की पावर क्या लिख रखा है यहाँ पे, 1/5 लिख रखा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 32 है ना, उसके अगर आप फैक्टर करोगे मान लो यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पे 16 चला जाएगा, 2 पे हमारे पास 8 हो जाएगा, 2 पे हमारे पास 4 हो जाएगा, 2 पे फिर 2 हो जाएगा, और 2 पे क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 32 को हम कह सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और पूरे की पावर क्या दे रखी है, 1/5, तो सेम आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो गई, तो हमारे पास क्या है, 2 की पावर 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर 2 आ गया, आ गया समझ में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3, तो 125 के फैक्टर करोगे आप यहाँ पे, 125 को आप क्या लिख सकते हो, मुझे तो पता है 5 का क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता, तो 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, 25, फिर 5 पे जाएगा 5 और फिर 5 पे जाएगा 1, तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, ठीक है, और पूरे की पावर क्या है, 1/3। फिर वही सेम काम हो जाएगा, आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 5 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आ गया समझ में।
इस तरीके से करना है आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो हमारे पास क्या दे रखा है। नाइन की पावर 3/2 ये दे रखा है, ठीक है। अब नाइन तो सबको पता है, नाइन किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो नाइन को आप क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर, और पूरे की पावर हमारे पास क्या है, 3/2, ठीक है। अब वही सेम आइडेंटिटी लग जाएगी, 2 में क्या हो जाएगा, 3/2। तो इसको आप क्या लिख लोगे, 3 की पावर 2 में 3/2, ठीक है। 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या गया, 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 क्या होता है, इनके 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 आंसर आ जाएगा। हाँ इसमें समझ में। सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है ये, बहुत ही ज्यादा इजी है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या देखा है, 32 की पावर 2/5। अभी बताया था मैंने कि जो 32 होता है उसको हम कह सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 32 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5, और पूरे की पावर क्या दे रखा है, 2/5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की पावर 5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है, 16 की पावर 3/4, ठीक है। 16 एक तो 4 का स्क्वायर होता है, बट 4 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे हमारे पास पावर 4 दे रखी है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 4 पूरे की पावर 3/4, तो हमारे पास क्या गया, 2 की पावर 4 × 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 125 की पावर -1/3, नेगेटिव में पावर दे रखी है, अबकी बार डरने की जरूरत नहीं है। 125 मैंने यहाँ पे की बताया था क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, ठीक है। तो 125 को क्या लिखेंगे, 5 का क्यूब, और पूरे की पावर क्या है, -1/3, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 5 की पावर 3 × -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या गया, 5 की पावर -1। और मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि a की पावर माइनस एन है, उसको क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर n, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/5 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्यों, क्योंकि 5 की पावर -1 दे रखा है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/5, बेस सेम है, तो पावर से हमारे पास क्या होती है, ऐड होती है, ठीक है। मैंने आपको बताई थी आइडेंटिटी कि a की पावर m इंटू a की पावर n, दोनों का बेस सेम है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, a की पावर m प्लस n के इक्वल हो जाएगा। इसका यूज करेंगे यहाँ पे, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस में 1/5, ठीक है। अब 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 की पावर 15, 5 × 2 = 10, 10+3, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 13/15, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 1/3 का क्यूब, और पूरे की पावर क्या दे रखी है, 7, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपकी एक्सरसाइज, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर 3 है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, 3 की पावर -3 हो गया, ठीक है, तो पूरे की पावर हमारे पास क्या हो गया, 7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर क्या हो गया, ये -3 × 7, यानी कि 3 की पावर -21। अब नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर 21। अभी बताया था आपको फॉर्मूला, 1/a की पावर n है, तो इसको क्या लिख लेंगे, a की पावर -n लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या दे रखा है, 11 की पावर 1/2 / 11 की पावर 1/4, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 11 की पावर 1/2 / 11 की पावर 1/4, ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिवाइड में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 की पावर 1/2 - 1/4, इसको ये चीज लिख सकते हैं। अब 11 की पावर है, ये हमारे पास 4 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो ऊपर हमारे पास क्या हो गया, 2 - 1, ठीक है। तो 11 की पावर हमारे पास क्या हो गया, 1/4, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है,
ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन किसकी इक्वल होता है, ए की पावर एम माइनस एन की इक्वल होता है। आगे समझ में, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपकी आज मैंने चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, सारा का सारा बेसिक भी करवाया था और सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको करवा दिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।